हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा, और वो भी देसी स्टाइल में। और उसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स की ही ज़रूरत होती है। हमें चाहिए 1/2 कप घी, 1 कप सूजी, कुछ काजू बादाम और 1 कप शुगर। अब हम फटाफट अपने पैन में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसे 2 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा घी गर्म होते ही अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी यानी रवा, और इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे जब तक सूजी का कलर चेंज ना हो जाए। हमें इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है ताकि ये नीचे लग ना जाए और ये जल ना जाए। हमें इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है जब तक इसका कलर चेंज ना होने लग जाए। ये बस दो या तीन मिनट में इसका कलर चेंज हो जाता है, और इसका कलर चेंज होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप पानी। यानी हमने 1 कप सूजी ली है तो हम उसका 3 कप पानी लेंगे, यानी 1 कप सूजी का 3 गुना। उस पानी डालने के बाद हमें इसको हल्का हल्का चलाते रहना है, और हमें गैस का फ्लेम हाई कर देना है जिससे ये जल्दी से हलवा बन जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। 1 कप सूजी के लिए हम 1 कप शुगर ऐड करेंगे, और जो हमारे पास काजू बादाम किशमिश जो भी हमें ऐड करना है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसको चलाते रहना है और बस 2 और 3 मिनट में हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इस हलवे का फ्लेवर सच में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। गाइज, हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब हमें इसको बस 10 से 15 सेकंड के लिए चलाना है, और बस ये तैयार हो जाएगा सर्व करने के लिए। और इसका टेस्ट वाकई में ज़बरदस्त होने वाला है। आप अपने घर पर ट्राई ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका हलवा कैसा बना है। हमारा हलवा बन गया है, हमारा वेट ख़त्म हुआ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। इसके बनने के बाद ही हमें इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करना है ताकि हलवे में थोड़ी शाइनिंग आ जाए, थोड़ी चमक आ जाए। इस घी की वजह से हमारा हलवा देखने में भी बिल्कुल चमकदार लगेगा, देखने वाले को बस ऐसा मन करेगा कि इसको खा जाए।